वीएफडी। वीएफडी की फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, इसको एडजस्टेबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव भी बोलते हैं, इसको एसी मोटर कंट्रोल ड्राइव भी बोलते हैं। इसका यूज एसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अब पहले स्पीड फॉर्मूला देखते हैं। एसी मोटर का स्पीड फॉर्मूला है 120 इंटू फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स। अब अगर हम फ्रिक्वेंसी को कम या ज्यादा कर सकें तो हम स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, और वीएफडी यही काम करती है। वीएफडी फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। कैसे देखते हैं। ड्राइव में दो सर्किट काम करते हैं। पहला रेक्टिफायर सर्किट, इसमें डायोड होते हैं जो एसी इनपुट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और फिल्टर सर्किट डीसी को प्योर करता है, और दूसरा इन्वर्टर सर्किट जो डीसी को एसी में इन्वर्ट करता है। इसके लिए इस सर्किट में आईजीबीटी लगे होते हैं, और आईजीबीटी स्विचिंग यानी आईजीबीटी ऑन ऑफ प्रोसेस से इन्वर्टर डीसी टू एसी इन्वर्ट करता है, और इसी डीसी टू एसी इन्वर्ट प्रोसेस में ड्राइव एज पर सेट पॉइंट फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करती है, जिससे मोटर की स्पीड कम या ज्यादा होती है। अब सर्किट को समझाने से पहले मैं आपको आईजीबीटी के बारे में ब्रीफ करता हूं कि यह ड्राइव में कैसे कंट्रोल होता है। आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसकी मेन खूबी है कि यह हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइस है। आईजीबीटी में गेट, कलेक्टर और एमिटर होते हैं। जब पॉजिटिव वोल्टेज लगभग 15 वोल्ट डीसी गेट पे अप्लाई करते हैं तो आईजीबीटी ऑन होता है और करंट फ्लो करता है कलेक्टर और एमिटर के बीच। सेम ऑफ स्टेज के लिए सप्लाई हटा लेते हैं, और ड्यूरिंग ऑफ स्टेट गेट पे -15 वोल्ट डीसी वोल्टेज रहती है जो उसे ऑन नहीं होने देती। यानी इस तरह हम गेट कंट्रोल वोल्टेज से आईजीबीटी को ऑन ऑफ कराते हैं। अब इनपुट एसी सप्लाई रेक्टिफायर सर्किट में आती है, यहां से डीसी में कन्वर्ट होती है, चोक और कैपेसिटर सर्किट से प्योर होती है और इन्वर्टर सर्किट में एंटर करती है। अब देखिए, इन्वर्टर सर्किट में एक कंट्रोल यूनिट काम करती है जो गेट वोल्टेज से आईजीबीटी को ऑन ऑफ कराएगी। ये कंट्रोल यूनिट एज पर सेट पॉइंट काम करती है, यानी जितनी फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए वो हम सेट कर देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल यूनिट आईजीबीटी की स्विचिंग कराती है और आउटपुट में रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी मिलती है। देखिए, जब पॉजिटिव साइड आईजीबीटी ऑन होता है तो पॉजिटिव साइड पल्स मिलती है, और जब नेगेटिव साइड आईजीबीटी ऑन होता है तो नेगेटिव साइड पल्स मिलती है, और जितना टाइम आईजीबीटी ऑन रहता है उतना वोल्टेज लेवल बढ़ता है। यानी वोल्टेज लेवल आईजीबीटी ऑन टाइम पे डिपेंड करता है। तो अब हमें इस तरह की पल्स आउटपुट में मिलती है, तो आप इसकी एवरेज लेंगे तो आपको एक साइन वेव मिलेगी। अब फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है टाइम वैल्यू पर, तो अगर कंट्रोल यूनिट टाइम को कम कर देती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और सेम टाइम वैल्यू बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करके हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं।